भी रुक कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू रवाना हुए हैं लखीमपुर के लिए, काफिला रवाना हुआ 1000 गाड़ियों के साथ लखीमपुर जा रहे हैं सिद्धू। नवजोत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कल तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। नवजोत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है, ये भी कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपना अनशन शुरू करेंगे, भूख हड़ताल शुरू करेंगे 1000 गाड़ियों के साथ। बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, 1000 गाड़ियों के साथ ये बताया जा रहा है कि वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं और कल तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। मोहाली से लखीमपुर के लिए सिद्धू का काफिला रवाना हुआ और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें गाड़ियां बड़ी संख्या में 1000 के आसपास गाड़ियां बताई जा रही हैं और उसमें ये भी साथ में उन्होंने कहा है कि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अनिल चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनिल, नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हुआ और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि गाड़ियों के काफिले की संख्या 1000 बताई जा रही है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं अनिल? बिल्कुल, देखिए बेहद बड़ा एक तरीके से जो इकट्ठ है या संख्या है वो मौजूद है और बड़ी संख्या में ये अपील की गई थी कांग्रेस के नेताओं से, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी व अन्य नेताओं की तरफ से भी, कि बड़ी संख्या में वो पहुंचे ताकि उत्तर प्रदेश के लिए कूच किया जा सके। पहले ये कहा जा रहा था कि 200 गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ से रवाना होगा, लेकिन अभी संख्या जो है वो बेहद ज्यादा है, जो एक तरीके से उम्मीद की गई थी कांग्रेस की तरफ से, पंजाब कांग्रेस की तरफ से, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा जो है वो गाड़ियों की संख्या है, कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या है। और रवाना हुए हैं अभी एयरपोर्ट जो रोड है जीरकपुर से, और ये जो पूरा काफिला है वो बरवाला से होता हुआ जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसमें प्रवेश करेगा और वहां से लखीमपुर खीरी जो है वहां पर पहुंचेंगे। सीसीसी डिमांड जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनके बेटे की गिरफ्तारी, उन पर कार्रवाई की मांग जो है उसको लेकर ये पूरा मार्च जो है, कूच जो है वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को लेकर जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, 200 का अनुमान जताया था कांग्रेस पार्टी ने, पंजाब कांग्रेस ने, लेकिन उसमें उससे ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही, जैसा कि अनिल हमें जानकारी दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गाड़ियों की जो संख्या वो 1000 के आसपास है, बड़ा काफिला है और वजह यही है कि किसानों पर जिस तरह से अटैक हुआ